नमस्कार, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लकी, जो गीत, गजल, भजन, तीन ताल से रिलेटेड कंपोजिशंस जो होते हैं उसमें भी अगर आप इस लकी को लगाते हैं तो उसमें काफ़ी खूबसूरती आ जाती है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम किल ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये बोल्स ऐसे हैं। सबसे पहले हम विलंबित में देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको फास्ट में भी देख लीजिए। अच्छा, देखिए इसकी खूबसूरती जो है मिड लय में जैसी है वैसी ही अच्छी खूबसूरती इसकी फास्ट ले में भी आ रही है। बहुत सारी बंदिशें आपने देखेंगे, बहुत सारे सॉन्ग्स देखे होंगे गीत गजल भजन में, जिसमें इस लगी का प्रयोग होता है और उस कंपोजिशन में, उस सॉन्ग में जो है काफी खूबसूरती आ जाती है। अब अगर मिड ले में कहें कि इस लगी का यूज जो है आप करते हैं, तो इसको कहरवा पैटर्न के अंडर में भी आप मान सकते हैं। जैसे ये जो स्पीड है इसका, देखिए अच्छा इसका एक बार बोल समझिए। अब इसको हम जरा प्ले करके देखते हैं। अभी देखिए काफी खूबसूरती इसमें देखेंगे। तो देख रहे हैं आपको इस स्लो स्पीड में भी काफी खूबसूरती दिख रही है। फिर देखिए, अब जैसे एक सॉन्ग भी इसमें देखिए, जो मैंने अभी सिंग किया और इस पर इसको प्ले कर रहे हैं, तो देखिए इसकी काफी खूबसूरती दिख रही है। एनीवे, तो फिर हम एक बार इसको देखते हैं स्लो स्पीड में। देखिए अब बिना बोल पढ़ंत किए वही मैं बजा रहा हूँ। डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ डेरिवेट करते हैं इसमें।
इसके डेरिवेशंस भी करेंगे तो जो ये ठेका है इसमें खूबसूरती ही दिखेगी। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने मेन जो हमारा बोल थे। तो अच्छा, अब इसका डबल करते हैं तो देखिए खूबसूरती में किसी प्रकार से कहीं कमी नहीं होगी। और इसमें अगर हम तीन ताल में या कहरवा पैटर्न्स में, यानी गीत गजल भजन तीन ताल कंपोजिशन आदि में इस लकी को लगाएंगे तो काफी उसमें जो कंपोजिशन है चमक आएगा और काफी मिठास भी इसमें दिख रही है। तो चलिए हम एक बार फर्स्ट लय में प्ले करके फिर इसको सेकंड टेम्पो में डबल टेम्पो में करते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जो निकास है आप देख रहे हैं, जो एग्जिट देख रहे हैं बोल्स का, उसके लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। एनीवे, तो चलिए हम फिर से एक बार इस बोल्स को देखते हैं, एक बार फर्स्ट टेम्पो में और उसके बाद से उसके डबल टेम्पो में, है ना। मैं इसमें एक बार इस बोल को पढ़ देता हूं। इसका एक डेरिवेशन हो गया है छोटा सा, तो उससे भी खूबसूरती में कहीं कोई कमी नहीं आएगी और अच्छा ही होगा, ठीक है ना, और खूबसूरती बढ़ेगी। देखिए आप कहें यूं कह सकते हैं कि वेरिएशन भी कर लिया इसमें थोड़ा सा, देखिए। एक बार इसको स्पीड में करके तिहाई लगा के फिर इसको हम जो है
फाइनल करते हैं, ओके कंप्लीट करेंगे। देखिए,